दोस्तों वीडियो को प्रूफ के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे एक दोस्त वीडियो पर हमारे बताए निर्देश के अनुसार काम कर रहा है, तो उसे 7 घंटा में मिला 2006 व्यूज। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दोस्तों टॉप 3 कौन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए शॉर्ट्स का एक चैलेंज हम लाए हैं, नवरात्रि स्पेशल, ठीक है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और इसका हम प्रूफ भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको वीडियो बनाना है, वीडियो बनाने में मुश्किल से आधा मिनट का समय लगेगा। क्या आपके पास आधा मिनट का भी समय नहीं है? आधा मिनट का समय देकर के आप एक अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं, और वो वीडियो आपको इस नवरात्रि में ही आपको बूम करने वाला है। यानी आप सही से इस वीडियो को देख लेते हैं तो नवरात्रि में आपके चैनल को की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो है। और ये चैलेंज हम 1K सब्सक्राइबर करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसके माध्यम से रखे 1K सब्सक्राइबर। लेकिन इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले दोस्तों की संख्या बढ़ रही है, तो इसको हम 10K पर ले जाएंगे, यानी 10,000 सब्सक्राइबर तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप newsviralsk.com पर जाइए, वहाँ पर इसका पोस्ट लिखा हुआ है, उसके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके लिए एक स्मार्टफोन हमारे पास होना चाहिए, इंटरनेट तो होना ही चाहिए। काइन मास्टर देख लीजिए, एक काइन मास्टर है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको खोलिए, क्लिक करके खोलते हैं। और काइन मास्टर खोलेंगे तो ऊपर में देखिए बड़ा पट्टी है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट बनाना है ना, और 9:16 ये टिकटॉक वाला जो होता है उस पर क्लिक करना है, ठीक। और नीचे देखिए एक बटन है, उस पर क्लिक करके आप इसके अंदर चले जाते हैं। इतना करने के बाद इससे पहले आपको ये काम कर लेना है कि जितना बड़ा हम ग्रीन स्क्रीन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, उतना बड़ा आप एक वीडियो शूट कर लीजिए आप अपने मोबाइल से, ठीक है। उसमें आप अपना चेहरा भी देख करके कर सकते हैं, या नेचर का भी कहीं पर बैकग्राउंड एक फ़ोटो बढ़िया सा वीडियो बना लीजिए। यदि 40 सेकंड का वीडियो है तो 40 सेकंड का बना लीजिए, 25 का है तो 25 का बना, जिस लेंथ में है उस लेंथ में आपको एक वीडियो बना लेना है। चलिए उतना करने के बाद अब क्या करना है, उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए जो वीडियो आप बनाए हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम एक नेचर का वीडियो बनाए थे जो हमारे सामने में आ गया, ठीक। आपको देखिए इस प्रकार थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्योंकि कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं था, फिर भी हम आपको बताने का प्रयास किए। तो एक और उसके बाद देखिए बगल में, ठीक है, उंगली से हम जो दिखा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, बगल में लेयर है, लेयर पर क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया आता है, ठीक है। लेयर के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे, और मीडिया पर क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड किए रहेंगे, जो हम आपको वीडियो देंगे ग्रीन स्क्रीन वाला, वो वीडियो को इस पर चढ़ा देना है। चलिए वो आपके मोबाइल में जहाँ भी हो, चलिए उस पर क्लिक करते हैं। ये वीडियो, ये पहला नंबर पर ही हमारा वीडियो है, उस पर उसको हम कर दिए। अब उतना करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा बगल में उंगली रख करके वीडियो को थोड़ा बड़ा कर, पूरा जो पेज सामने में दृश्य वाला जगह है उसमें हम पूरा को कर लेते हैं। और इसमें अब क्या करना है, उस पट्टी पर, ग्रीन वाला पट्टी पर थोड़ा क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो अब एक लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट में आप क्रोमा की को चुनना है। क्रोमा की देखिए मिल गया, क्रोमा की मिल गया। अब क्रोमा की पर क्या करना है, टच करेंगे और उसको इनेबल कर देंगे। नीचे देखेंगे ग्रीन लगा हुआ है, कि ग्रीन के बदले दूसरा रंग रहेगा तो फिर काम नहीं करेगा, उस वहाँ पर आपको कलर देना पड़ेगा। अभी ग्रीन उधर भी है, नीचे भी है, तो ये यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। जो ही क्रोमा की हम चलाएंगे कि हमारे वीडियो से ग्रीन वाला पार्ट हट जाएगा, अब बैक चले जाएंगे, देखिए हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया। अब वीडियो में जितना भी रेस्ट पार्ट है उसको हम कैंची वाला पर क्लिक करके फिर उसको अगला वाला भाग से काट देंगे। इस प्रकार वीडियो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। देखिए वीडियो बनाने का कितना सिंपल तरीका है, अब इसे आसानी से वीडियो बना सकते हैं। ऊपर में दाहिना में देखिए एक्सपोर्ट वाला बटन है, उस पर क्लिक करके आप अपने साइज के अकॉर्डिंग वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कम ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस फॉर्मेट में, मतलब कितना रेजोल्यूशन में वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं। ये काम आप कर दीजिए और फिर वीडियो को आप अपने स्मार्टफोन में गैलरी में क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को कैसे अपलोड करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में यदि जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 3 चीज़ मिलता है, वीडियो में क्या टाइटल रखना है उसको भी आप कॉपी करके रख सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिलेगा, उसके बाद एक
यूज दिस साउंड करके एक मैसेज रहेगा जो वीडियो का ही लिंक रहता है, तो उसमें देखिए नीचे में लिंक रहेगा, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यूज दिस साउंड करके नीचे में देखिए बटन बन गया लाल रंग का, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप ऐड पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर दीजिए, जो वीडियो आप अभी तैयार किए हैं, ठीक है। वीडियो अपलोड करने के बाद हैशटैग, टाइटल, ये जितना भी चीज़ है वो आप हम जो आपको बताएं वही रखना आपको बेहतर होगा, क्योंकि आपका वीडियो हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार रैंक करेगा और वीडियो पर व्यू आने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा, और कभी भी आपको कॉपीराइट का उसमें इशू देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को दूसरे तरीके से यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉपीराइट मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप newsviralsk.com पर जाइए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगा। साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे निर्देश को फॉलो करते हुए एक स्टूडेंट हमारे जो हैं वो वीडियो डालना शुरू किया और दूसरा वीडियो ही उनको 7 घंटा में बढ़िया व्यू दे दिया है, 2000 व्यू क्रॉस कर दिया और ये वीडियो और चल रहा है।